आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के वज़ीर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सड़कें, पीने के पानी की फरहमी को फ़रोग दिया जा रहा है और कई तरक्याती काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर ने सनत नगर हल्के में किए जाने वाले मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों का सगे बुनियाद रखा। इसी तरह KTR ने हल्के असेंबली कोगटपल्ली सनत नगर बेगमपेट डिवीजन अलम डोडी बाई मयूरी मार्केट में 48 करोड़ रुपए की लागत से मुर्गी नाला का रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव कोगटपल्ली रुकने असेंबली M कृष्णा राव के हाथों संगे बुनियाद रखा, जिस पर मुकामी आवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बल्दिया आजमदार हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकने कानून साज कौंसिल नवीन राव, डिप्टी मेयर बेगमपेट कॉरपोरेटर महेश्वरी श्रीहरी, डिवीजन सदर सुरेश यादव, जनरल सेक्रेटरी नरेश, माइनॉरिटी सदर जावेद खान अमीन जहांगीर, SC प्रेसिडेंट JM शेखर, माइनॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज के अलावा TRS पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा अच्छा करेंगे रिपोर्ट मोमेंट पुलिस ఏదో ఒక పంజాబీన అనుకుంటూ ఉంటారు। मैं बेगमपेट डिवीजन कुकुटपल्ली कॉन्स्टेंस के जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, इधर ये मयूर मार में कभी भी 30 साल में नहीं हो सो काम। आज इधर हमारे MLA साहब और हमारे मंत्री साहब तलासानी साहब और KTR साहब आके इधर 46 करोड़ का जो इनाग्रेशन करे, नाला जब भी पानी आए तो कुकुटपल्ली में भी पानी आए तो इधर पानी आया, बारिश गिरे तो इधर डूब जाता बेगमपेट, स्पेशली मयूर मार्ग इसमें तकरीबन कितने की आके गए जाके गए। अभी हमारे MLA साहब इनसेट ले लेके मंत्री साहब को बोल के, तलासानी श्रीनिवास यादव को बोल के, KTR साहब का नहीं सैंक्शन करे, इमीडिएटली ये काम शुरू हो रहा है। हमारे MLA साहब को शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे डिवीज़न तरफ से और हमारे कॉलोनी सोसाइटी की तरफ से। जय तेलंगाना, जय जय। जो मन प्रियतम नायक KTR गारु, मन TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट गारु, आईन चाला अभिवृद्धि कार्यक्रम की शंकुस्थापन चेयडानिकि वच्चिंडु। मन मंत्रिवर्यु तलसानी श्रीनिवास यादव गारु, कुकुटपल्ली MLA गारु మదన కృష్ణారావు గారు వారి సహకారంతో ఈరోజు బేగంపేటలో ఉన్న అతిపెద్ద సమస్య అయిన నాలా సమస్య 45 కోట్లు శాంక్షన్ చేసి మన KTR గారు బేగంపేటకు ఒక వరంలాగా ఇచ్చారు। ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వర్షాలు వస్తే, వరదలు వస్తే ముంపు ప్రాంతంగా ఈ బేగంపేట ఉంటుండే, ఈ 45 కోట్ల నిధులతో రిటర్నింగ్ వాల్ చేసి ముంపు ప్రాంతం కాకుండా మంచి కాలనీ డెవలప్, మంచి కాలనీలాగా రూపుదిద్దుకుంటుందని మేము బేగంపేట మధుర మార్గం నుంచి కోరుకుంటున్నాం। आप देख रहे हैं।